हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी होगी और बहुत खुश होगी और बहुत ही अच्छे से अपना ख्याल रख रही होगी। गाइस, आज का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं PCOD यानी इरेगुलर पीरियड्स के ऊपर, अनियमित माहवारी के ऊपर। और इस टॉपिक को लेकर मेरे पास आप सब ने बहुत सारे कमेंट किए, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पे भी मुझे काफी सारी गर्ल्स ने इस बात को लेकर DM किया। PCOD के लिए प्लीज कोई अच्छी सी रेमेडी शेयर करें, कोई अच्छा सा सोल्यूशन बताएं, हम अपने इरेगुलर पीरियड से काफी ज्यादा परेशान हैं। तो आज मैं आप सभी के साथ जो ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, हर महिला और हर गर्ल्स के लिए ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को आप सब एंड तक देखें। आई होप कि गाइस आज का ये मेरा वीडियो आप सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपना एक लाइक इस वीडियो को जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे उसी से ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है आप सबके लिए और अच्छा करने की। चैनल पर पहली बार आए हैं, आज ही विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि आपको आगे भी इसी तरह के हेल्पफुल और जेन्युइन कंटेंट के वीडियोस देखने को मिले। तो चलिए जल्दी से जानते हैं अनियमित महावारी को दूर करने के लिए घरेलू उपाय। तो अनियमित महावारी को नियमित करने के लिए गाइस जो सबसे पहला घरेलू रामबाण इलाज मैं आपको बता रही हूँ, वो है कच्चा पपीता। ठीक है, स्ट्रेस और मोनोपॉज के कारण पीरियड में होने वाली अनियमितता को दूर करने का रामबाण इलाज कच्चा पपीता है, क्योंकि इसमें मौजूद पौष्टिक तत्व आयरन, कैरोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए और सी गर्भाशय की सिकुड़ी हुई मांसपेशियों को फाइबर पहुँचाने का काम करते हैं। कुछ महीनों तक अगर आप कच्चा पपीता खाती हैं या फिर उसके जूस इस्तेमाल करती हैं, तो आप अपने अंदर काफी चेंजेस देख पाएंगी और कच्चे पपीते का जादू आपके ऊपर नजर आएगा साफ तौर पे। तो आपको कच्चे पपीते को अपनी डाइट में किस तरह से शामिल करना है, इसके लिए आप एक टुकड़ा कच्चे पपीते का ले लें और उसे आप ग्रेट कर लें, और उसके ऊपर आपको एक चम्मच दही ऐड कर देना है। ब्रेकफास्ट में आप इसको नियमित तौर पर अगर शामिल करती हैं तो ये आपकी इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम को खत्म करता है। दूसरा यहाँ पर उपाय है गाइस इमली। इमली का गूदा इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम को ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। इमली या खट्टे जो खाने वाले पदार्थ होते हैं या फिर जो खट्टे फल होते हैं, उनसे हम अपनी अनियमित माहवारी को नियमित कर सकते हैं। इमली को आपको किस तरह से लेना है, आप इमली ले लें, उसको आप पानी में थोड़ी देर भिगो दें। अब इसमें थोड़ी सी आपको नमक और चीनी मिलानी है और थोड़ा सा आपको ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड कर देना है। इससे आप बहुत ही टेस्टी सा एक ड्रिंक बना लें, और इसे आप नाश्ता करने के बाद अगर लेती हैं तो इससे भी आपके इरेगुलर पीरियड्स काफ़ी हद तक क्योर हो जाते हैं, मेंटेन हो जाते हैं। इसके अलावा गाइस मैंने बहुत सारा सर्च किया, तब जाकर मुझे एक ऐसी फीमेल टॉनिक के बारे में पता चला, एक ऐसी फीमेल टॉनिक मिली जो कि हमारे इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलर करती है, और इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें किसी भी तरह का केमिकल एड नहीं है और बिल्कुल 100% नेचुरल चीज़ों से इसे बनाया गया है। ख़ास तौर से महिलाओं की अनियमित माहवारी को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है गाइस। तो ये है नाम्या लाइफ साइंस की अनरतवा फॉर डिलेड एंड इरेगुलर पीरियड्स टॉनिक। तो इसकी सबसे अच्छी बात गाइस मुझे ये लगी कि ये 100% नेचुरल फीमेल टॉनिक है, और इसमें जो जड़ी बूटियां इस्तेमाल की गई हैं उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें किसी भी तरह का एस्ट्रॉइड नहीं है गाइस। ये एक नेचुरल टॉनिक है जिसे हमें रोजाना दिन में 2 बार लेना पड़ता है। एक बार आप मॉर्निंग में नाश्ता करने के बाद ले लें, और उसके बाद आपको ये एक बार रात में लेना है। 1 महीने तक इसको लगातार अगर आप इस्तेमाल करती हैं, लगातार इसको कंज्यूम करती हैं, तो आप 1 महीने के अंदर ही अपने मासिक चक्र को यानी अपने पीरियड्स को आप रेगुलर होता हुआ देख पाएंगी। ये आपकी थकान कमजोरी को भी दूर करता है। इसके अलावा गाइस इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं वो बिल्कुल 100% नेचुरल हैं और बिल्कुल आयुर्वेदा बेस पे ये बनाया गया है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें यूज किए गए हैं वो सारे ही बिल्कुल आयुर्वेदिक हैं। अशोक, अर्जुन, अश्वगंधा, जटमानसी, मोथा, इसके अलावा गूलर, लोधरा, लाल चंदन, दारू, हल्दी, ये सारी चीज़ें हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं गाइस बिल्कुल नेचुरल हैं, तो बेझिझक आप इस नाम्या लाइफ साइंस अनर्तवा फीमेल टॉनिक का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो रेगुलर 1 मंथ के इस्तेमाल के बाद ही आपको काफी अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो दिखने लगेंगे गाइस। आपकी
पीसीओडी की प्रॉब्लम, अनियमित महावारी की प्रॉब्लम या फिर क्रैम्स आने की प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा थकान, चिड़चिड़ापन या उलझन महसूस होती है, तो उसके लिए आप नाम्या लाइफ साइंस की अनर्तवा फीमेल टॉनिक ले सकती हैं। तो इसका बाय लिंक मैंने आपको गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर आप इस फीमेल हेल्थ टॉनिक को बाय कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल करने के बाद प्लीज़ इसका रिजल्ट मेरे साथ कॉमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके अलावा गाइस हम अपनी लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चेंजेस करके भी अपनी अनियमित महावारी और इरेगुलर पीरियड्स को काफ़ी हद तक क्योर कर सकते हैं। पीसीओडी की प्रॉब्लम का सबसे बड़ी जो वजह है गाइस, वो फर्स्ट आती है तनाव या फिर अनिद्रा या फिर टेंशन। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव लेती हैं या फिर टेंशन आपको बहुत ज़्यादा होती है या फिर आप कम नींद लेती हैं, रात में आपको नींद नहीं आती है, तो इसकी वजह से भी हमारी रेगुलर जो पीरियड्स होते हैं उनके ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा जंक फूड लेना, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ों को खाने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए अपनी लाइफ स्टाइल को आप हेल्दी बनाएं। इसके अलावा हेल्दी फूड लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खासकर महिलाओं में जो पीरियड्स वाली प्रॉब्लम होती है, अनहेल्दी डाइट की वजह से भी ये इररेगुलर पीरियड्स हमारे हो जाते हैं। तो इसके लिए आप अपनी डाइट को मेंटेन कीजिए, भरपूर नींद लीजिए, ऐसी चीज़ें, ऐसे फाइबर्स और विटामिंस को कंज्यूम कीजिए जिससे कि हमारी बॉडी जो है अंदर से हेल्दी रहे, अंदर से स्ट्रांग रहे। और हर महिला को कम से कम आयरन और कैल्शियम, ये दो चीज़ें तो डेली तौर पर, डेली बेसिस पे ज़रूर लेनी चाहिए। तो आप अपनी डाइट में कोई अच्छी सी कैल्शियम ले सकते हैं, कोई अच्छी सी आयरन की टैबलेट ले सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट को ज़रूर मेंटेन करें। अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा आप योग और एक्सरसाइजेस भी कर सकती हैं। आप किसी भी उम्र की हैं, चाहे आप 18+ हैं या फिर आप 40+ या 30+ हो चुकी हैं, आपको अपनी रूटीन में डेली एक्सरसाइज और योग को ज़रूर शामिल करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें मेंटली रिलैक्स मिल जाता है, अंदर से हमें शांति महसूस होती है, अंदर से हम अच्छा फील करते हैं। और जब हम अच्छा फील करते हैं तो हमारी बॉडी भी वैसा ही रिएक्ट करती है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से टिप्स थे गाइज, ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी जिनको हम अपना कर अपनी इररेगुलर वाली पीरियड्स की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। आई होप कि आज का ये मेरा वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और थोड़ा से भी मैंने अगर आपको हेल्प करी है, थोड़े से भी आपको नॉलेज मिली है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बेहद मायने रखता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आज ही मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया है, क्योंकि आपके लिए मैं इसी तरह के अमेजिंग जेन्युइन कंटेंट की वीडियोज़ लेकर आती हूँ। स्पेशली प्रोडक्ट रिव्यू भी मैं लेकर आती हूँ, जिसको आप काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में और सोशल मीडिया पे प्लीज मेरे वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।